हेलो एवरीवन, दिस इज एसके चौधरी फ्रॉम एसकेसी लाइव। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डेली डाइजेस्ट के सेशन में, सीरीज में, जहां हम लोग अगले 10 मिनट में टॉप 20 करंट अफेयर्स पर आधारित प्रश्नों को देखने वाले हैं। स्टूडेंट, यह सेशन हर दिन मैं लेकर के आ रहा हूँ सुबह 7 बजे, जहाँ पे 10 से 15 मिनट में जो दिन के टॉप 20 करंट इवेंट्स और करंट अफेयर्स पर आधारित प्रश्न होते हैं उसको हम लोग देखते हैं। यह सेशन अपकमिंग सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो बीपीएससी हो, जेपीएससी हो, एसएससी, रेलवे बैंकिंग या वनडे कोई भी एग्जाम्स हो, सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं क्या है वो महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चंस जो अपकमिंग एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही जरूरी है देखना। ओके, आज का ये पहला सवाल होगा, उससे पहले हर दिन की भांति थाउट ऑफ द डे के साथ हम लोग सेशन की शुरुआत करेंगे। और आज का थाउट है, हर सूर्यास्त हमारे जीवन से एक दिन कम कर देता है, और लेकिन हर सूर्योदय हमें आशा भरा एक दिन देता है। बिल्कुल, असल जीवन यही है, जीवन यही है, दिन प्रतिदिन जीवन एक एक करके हमारे जीवन का एक एक दिन कम होते जा रहा है। हर ढलता हुआ शाम हमारे जीवन का एक दिन कम हो रहा है, हर सूर्योदय हमारे जीवन में एक दिन नया लेकर के आ रहा है। अब इन ढलते हुए सूरज और उगते हुए सूरज के बीच का जो सबसे बड़ा जो गैप है, जो सबसे बड़ी समझने वाली बात है, वो ये है कि आप इस गैप को कैसे भरपाई करते हैं। उगते हुए सूरज और ढलते हुए शाम के बीच में आप अपनी यूटिलाइजेशन कर कैसे पाते हैं। तो जाहिर सी बात है, अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए हमें हर दिन जदोजहद करनी पड़ती है, हर दिन हमें संघर्ष करना पड़ता है, ख्वाब देखने पड़ते हैं, उसको पूरा करने के लिए लड़ना पड़ता है, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, लगातार परिश्रम करना पड़ता है, हारना पड़ता है, जितने के प्रयास करने पड़ते हैं। तो हमेशा मैं मानता हूँ कि हर व्यक्ति जो एक सूर्योदय के साथ, नई आशा के साथ अपने दिन की शुरुआत करेगा और उसको पाने के लिए संघर्ष करेगा, वो जाहिर सी बात है जीवन में जरूर सफल होगा। और इसी थॉट के साथ सेशन की शुरुआत करेंगे। पहला सवाल आपके सामने, प्रश्न है, लोकनायक फाउंडेशन का वार्षिक साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तनिकेला भरनी इज राइट आंसर। ये तेलुगु एक्टर हैं और इन्हें सम्मानित किया गया इस पुरस्कार से, तेलुगु एक्टर, स्पष्ट तौर पर जानकारी रखेंगे। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य 2022 में पहली बार रणजी ट्रॉफी का मेजबानी करने जा रहा है। तो वह राज्य है सिक्किम, भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में से महत्वपूर्ण राज्य सिक्किम, जहाँ पे रणजी ट्रॉफी का आयोजन होगा क्रिकेट का। नेक्स्ट है, इटालियन यानी कि इटालवी F1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने अपने नाम कर लिया है। तो यह खिताब मैक्स वेरस्टैपेन ने अपने नाम कर लिया, जो कि रेडबुल, जो कंपनी रेडबुल्स, उसके उसके ड्राइवर हैं। एंड मैक्स वेरस्टैपेन के बारे में इस पर जानकारी कि इज बिलोंग्स टू नीदरलैंड, इन नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं, भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। और इसी चैनल पे मैं बहुत जल्दी एक और वीडियो लेकर के आऊंगा, जहाँ पे जितने भी ग्रैंड प्रिक्स हुए ना, जितने भी ग्रैंड प्रिक्स हुआ उस पे आधारित हम लोग जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबको हम लोग यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। तो बहुत जल्द एक सेशन में लेकर के आने वाला हूँ, आप सब उससे जरूर देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने पहली बार सिनेमयाई पर्यटन नीति लेकर के आई है, सिनेमाई पर्यटन नीति की घोषणा की है, फर्स्ट एवर सिनेमेटिक टूरिज्म पॉलिसी। असल गुजरात सरकार ने इसकी घोषणा किया है, वर्ष 2022 से लेकर के 2027 तक के लिए सिनेमेटिक टूरिज्म पॉलिसी की घोषणा की, जिसमें अजय देवगन जो बॉलीवुड के, उन्हें भी, वो भी शामिल हुए थे, और राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी शामिल हुए। हाँ, ओके, अगला प्रश्न है कि फॉर्जिंग मेटल, नृपेंद्र राव एंड द पेन्योर स्टोरी, ये किसके द्वारा लिखित पुस्तक है। एक चर्चित जर्नलिस्ट है पवन सीलल, एक पत्रकार है, एक जर्नलिस्ट है, और उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है जो रिसेंटली जारी हुई, लॉन्च हुई है। और नई नई पुस्तकों के बारे में आप बिल्कुल जानकारी रखिएगा, एग्जाम में ढेर सारे सवाल आते हैं यहाँ से भी। विनोबा भावे की जयंती कब मनाई जाती है, विनोबा भावे की जयंती, तो स्पष्ट तौर पर जानकारी रखेंगे, विनोबा भावे की जयंती 11 सितंबर को मनाया जाता है। एंड इज नाउन फॉर द 1951 में इन्होंने भारत में भूदान आंदोलन चलाया था, और जब भी विनोबा भावे का नाम आता है स्टूडेंट, तो स्पष्ट तौर पर आता है कि विनोबा भावे गांधी जी के प्रथम सत्याग्रही थे। आपने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा होगा प्रथम सत्याग्रही कौन थे, तो विनोबा भावे। और इनका संबंध किससे स्टूडेंट, तो इनका संबंध है पवनार आश्रम से, वहीं से रह करके ये जन जागरण का काम चलाते थे, पवनार आश्रम, जैसे महात्मा गांधी के जीवन में साबरमती आश्रम, वैसे इनके जीवन में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय वन शहीद दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है, तो यह 11 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि भारत के केएन सिंह ने, पूर्व न्यायाधीश केएन सिंह का हाल ही में निधन हो गया है, वो 1951 में भारत के अब तक के सबसे कम दिनों तक मुख्य न्यायाधीश रहने का रिकॉर्ड उनके नाम है, महज 17 दिनों तक। वो समझ लो कि 25 नवंबर से लेकर के अगले महीने के 12 दिसंबर तक वो 1991 में
भारत के चीफ जस्टिस में 17 दिनों तक रहे थे और ये 22वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे भारत के। अगली महत्वपूर्ण जानकारी कि भारतीय नौसेना ने प्रोजेक्ट 17A के तीसरे स्थित फ्रिगेट युद्ध पोत को लॉन्च कर दिया, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है तारागिरी। सी वुड बी राइट आंसर। हाँ, नेक्स्ट है कि वर्ष 2022-23 में पहली बार 3 रणजी ट्रॉफी मैच कहाँ पे आयोजित होगी? तो पहली बार 3 रणजी ट्रॉफी मैच सिक्किम में आयोजित होने वाला है, वहां पे इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट है कि साउथ इंडियन सिनेमा मूवी अवार्ड्स 2022, इसमें जैसे इसमें बहुत सारा सिनेमा आ जाता है, जैसे तेलुगु हो गया, तेलुगु इंडस्ट्री है, तमिल इंडस्ट्री है, तमिल इंडस्ट्री, मलयालम इंडस्ट्री जो दक्षिण भारतीय भाषा है उनमें बनने वाली फिल्मों पर पुरस्कार दिया जाता है। और इस मूवी अवार्ड्स में जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है वह मिला है पुष्पा द राइज, पुष्पा, अल्लू अर्जुन की सिनेमा थी ना जिसका डायलॉग बहुत फेमस होता है, पुष्पा झुकेगा नहीं, तो उसी को मिला ये अवार्ड। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री ने विश्व डेयरी सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में किया है? तो इसका आयोजन किया गया, इसका उद्घाटन किया गया ग्रेटर नोएडा में। अगला प्रश्न होगा कि किस राज्य सरकार ने निवासी सुरक्षा अधिनियम जारी किया है, रेसिडेंट सेफ्टी एक्ट जारी किया है? बस एक वर्ड आगे जोड़ दो, इसका बिल का नाम ही है मेघालय रेसिडेंट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट, शॉर्ट में बोलते हैं MRSSA। और इसे किसने जारी किया? तो जाहिर सी बात है मेघालय ने। नेक्स्ट प्रश्न होगा कि किस राज्य में पहला नागा मिर्च महोत्सव का आयोजन किया गया है? नागा मिर्च महोत्सव, इसका आयोजन नागालैंड में हुआ। नागा मिर्च दुनिया की सबसे तीखी मिर्च है, ये दुनिया की सबसे तीखी मिर्च है, और अगर किसी को तीखी मिर्च खानी थी ये वाली मिर्च खिला दो, 2008 से नागालैंड को इस पे GI टैग मिला हुआ है, ग्लोबल इंडिकेशन ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का टैग इसमें मिला हुआ है। भारतीय सेना ने कहाँ पर पर्वत प्रहार सैन्य अभ्यास किया है? उसमें इसका यह सैन्य अभ्यास किया गया है लद्दाख क्षेत्र में। बी वुड बी राइट आंसर। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय रक्षा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा नारायण राणे जिसके मंत्री हैं, नोट कर रहे हैं, नारायण राणे जिसके मंत्री हैं उनके द्वारा प्रदर्शनी का एग्जीबिशन का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो यह एग्जीबिशन कोटा में आयोजित हुआ है, जिसमें कोटा से आपको पता होगा सांसद और लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो इसमें शामिल हुए, सांसद और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इसमें इस इनोग्रेशन में शामिल हुए थे, ओम बिरला वो भी इस इनोग्रेशन समारोह में शामिल हुए थे। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने वन शहीदों के आश्रितों को 30 लाख कंपनसेशन अमाउंट देने के जगह इसकी राशि बढ़ाकर 50 लाख कर दिया, 50 लाख मिलेगा? तो वह सरकार है कर्नाटका। उसके बाद है प्रधान महालेखाकार कार्यालय ने किस शहर में पेंशन एट योर डोर स्टेप पहल की शुरुआत किया है? तो फ्रेंड इसकी शुरुआत हुई है मुंबई में। हाँ, मुंबई में ये पहल पेंशन एट योर डोर स्टेप की शुरुआत की गई है। भारतीय रेलवे ने कुल राजस्व 2021 की इस अवधि में की तुलना में 2022 में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो यह वृद्धि 38% की है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ने भारत में क्वांटम कंप्यूटिंग कौशल विकास और अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए किस IIT संस्थान के साथ समझौते किए हैं? तो भारत की प्रतिष्ठित IIT संस्थान है IIT मद्रास, उसके साथ क्वांटम कंप्यूटिंग स्किल डेवलपमेंट एंड रिसर्च के लिए समझौते किए गए। तो ये थे दिन के टॉप 20 क्वेश्चन। आई विश कि ये सेशन आपको बहुत पसंद आ रहा होगा, जहाँ पे हम लोग बहुत ब्रीफली बहुत कम समय में सभी महत्वपूर्ण सवालों को लगातार देख रहे हैं। और आपको ये प्रयास हमारा कैसा लगता है आप हमें जरूर कमेंट करके बताएं, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें।